हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद एंड वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी ईयरबड्स 2 के बारे में। मतलब आज इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और मैं आपको बताऊंगा कि ये ईयरबड कैसा है, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और आपको ये ईयरबड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा पर्सनल, उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा क्योंकि काफ़ी समय से मैं सैमसंग के इस बड्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So, ये है अपना Samsung Galaxy Buds 2, आप देख सकते हैं, जो कि आता है क्लियर एंड रिच साउंड, टू वे स्पीकर है इसके अंदर, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ आता है और कंफर्टेबल फिट एंड काफी सारे इसके वो टिप मिलते हैं आपको और सब प्ले टाइम 5 to 20 hours है और साउंड बाई AKG है, यानी AKG इसके लिए Samsung के लिए जो है ये ईयरबड बनाती है। इसकी जो MRP है वो है 13,990 रुपये और अभी इसका जो मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट है वो है अगस्त 2022, यानी काफ़ी अभी लेटेस्ट है देखा जाए तो। तो इसको हम खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ये है अपना Samsung Galaxy Buds 2, देख सकते हैं ये इसका आपको मिलता है केबल जो कि इस बड्स को आप चार्ज कर सकते हैं, जो कि है Type-A to Type-C केबल है। और इसके अलावा ये मिलता है इसके अंदर टिप, ईयर टिप, अगर ईयर के साइज के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है Samsung Galaxy Buds, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी जो पैकिंग है, प्रीमियम पैकिंग है और इसे जो बॉडी का जो फीलिंग है वो भी काफ़ी ऐसा लगता है कि प्रीमियम ईयरबड है। सामने में कुछ Samsung लिखा हुआ है कि पीछे डिटेल्स इसकी लिखी हुई है, तो इसको आप खोल के देख सकते हैं। खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, बिल्कुल लेवेंडर कलर में। हालांकि माय चॉइस जो मेरी जो मैं वैसे वाइट कलर ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट क्या था कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में वाइट कलर अवेलेबल नहीं था, सिर्फ था लेवेंडर और ब्लैक, तो मैंने लेवेंडर लेना ज़्यादा पसंद किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड बाई AKG है और मैं आपको दिखा सकता हूँ ये राइट ईयरबड के लिए है और ये मैग्नेट यहाँ पे आता है, मैग्नेट से चिपक जाता है, ये लेफ्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। कुछ ऐसा आता है ईयरबड, आप देखिए काफ़ी बेहतरीन लगा मेरे को ये ईयरबड Samsung का, बिकॉज आई हैव Samsung फ़ोन, तो दैट से मैंने Samsung का लेना ज़्यादा पसंद किया। तो ये था Samsung Galaxy Earbud 2 की अनबॉक्सिंग और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है इस Samsung के ईयरबड्स की, आप देख सकते हैं। अगर हम इसकी ग्रिप की बात करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा देखने में कैसा लगता है, अपीयरेंस कैसे आते हैं जैसे साइड से ये और सामने से कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके साउंड की क्वालिटी की। तो अगर मैं साउंड की क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो साउंड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि पावर बाई AKG है और AKG एक बहुत बड़ा नाम है ऑडियो का जो काम करती है, माइक वगैरह बनाती है, तो साउंड की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। दूसरी चीज़ इसकी जो ग्रिप है या फिर फिटिंग मैं कहना चाहूँगा वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब लगाने के बाद अगर आप 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भी लगा के मैंने इसको देखा लगातार रेगुलर, मतलब बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं होता कि आपने ईयरबड लगा रखा, कानों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बैटरी लाइफ भी मैं डिसेंट कहूँगा, मतलब बैटरी लाइफ पर तो मुझे उतना खास नहीं लगा, मतलब पर्सनल यूज़ में, क्योंकि ठीक है, मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इसका जो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है मतलब बहुत बेस्ट है। मतलब अगर आप एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के अंदर ऑन कर देंगे तो उसके बाद होता क्या है ना, मतलब बाहर की बिल्कुल भी आवाज़ मतलब मुझे सुनाई नहीं देती है। और इसका एक चीज़ मुझे और फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब मैंने ईयरबड लगा रखा है और म्यूज़िक चल रहा है या फिर मतलब ईयरबड लगा भी रखा है तो मुझे बाहर की आवाज़ बिल्कुल सुनाई देती है। मतलब ऐसा नहीं कि ईयरबड लगा लिया आपने बिल्कुल बाहर का सुनाई ही नहीं दे रहा हो, बाहर की आवाज़ बिल्कुल सुनाई देती है। मैं चाहूँ तो ईयरबड लगा के भी लोगों से बात कर सकता हूँ, मतलब आमने सामने, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक, क्या चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी उसके बाद फिर मैं प्राइस के बारे में बताऊँगा आपको। एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी वो लगी मेरे को कॉलिंग एक्सपीरियंस। इसका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है, अगर मतलब मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखा जाए तो मैंने इसको जो लिया था, मतलब 50% मैं कहूँगा कि मैंने कॉलिंग के लिए लिया था, लेकिन वो कॉलिंग एक्सपीरियंस इसका कहना चाहूँगा कि मतलब बहुत बेकार है।
मतलब अगर मुझे रेटिंग देना हो 10 में से तो 3 मैं रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से। अगर आप इसको कॉलिंग पर्पज़ के लिए लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल मना करूँगा कि इस चीज़ को कॉलिंग के लिए बिल्कुल मत लीजिए। हाँ लेकिन हाँ, आप YouTube पे सर्फ करते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट रहूँगा कहूँगा मैं, क्योंकि एक तो कानों में गाना सुनते रहेंगे 4-5 घंटे तो आपको चुभन सी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो लो क्वालिटी वाले जो ईयरबड्स होते हैं, सस्ते ईयरबड्स होते हैं, उसमें एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कान में लगा के रखोगे एक तो दर्द होने लगेगा और आवाज़ उनकी ऐसी आती है बिल्कुल जैसे कान के पर्दे ही फाड़ देगी। और इसके अलावा अगर हम बात करूँ कि इसको आपको परचेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि मतलब ईयरबड बहुत अच्छा है एक्सेप्ट कॉलिंग के लिए, मतलब एक्सेप्ट कॉलिंग मतलब कॉलिंग नहीं करना चाहते हैं, कॉलिंग स्पेशली कॉलिंग के लिए नहीं लेना है आपको, तो इन दैट केस या फिर गाना सुनने के लिए लेना चाह रहे हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं उसके लिए लेना चाह रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट रहेगा ये सैमसंग गैलेक्सी का ईयरबड 2। लोग मोस्टली लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्वालिटी कैसी है और हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैंने दोनों चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। बस कमी इसके अंदर एक ही है कि मतलब कॉलिंग का मतलब मेन प्रॉब्लम है मेरे को लगा, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अकॉर्डिंग टू प्राइस थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, सैमसंग गैलेक्सी ईयरबड्स थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है। आई होप कि आप सभी लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन होगा सैमसंग गैलेक्सी ईयरबड्स को लेकर वो शायद कंप्लीट हो गया होगा, या फिर मतलब जो होगा वो मतलब समझ में आप सभी लोगों को आ गया होगा कि मतलब ईयरबड्स 2 की क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सैमसंग गैलेक्सी ईयरबड्स 2 से रिलेटेड आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।